हेलो डियर लर्नर्स, मैं ज़मीर शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हाइड्रोकार्बन का सेकंड लेक्चर है जो कि अल्कीन्स जो सेकंड फैमिली है हमारा हाइड्रोकार्बन की वो देखते हैं हम। सबसे पहले आज लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा हाइड्रोकार्बन से अल्कीन वाला, आज हम देखने वाले हैं अल्कीन। अल्कीन माने क्या होता है? अल्कीन जो है आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। उनको सबसे पहले ओलेफिन बोला जाता है, राइट। सेकंड हो गया आपका, इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, यानी कि जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इनका जनरल फार्मूला जो है वो है आपका CnH2n, ठीक है। और इनमें होता है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हमको लेने हैं तो हमारे पास इथिन है, प्रोपीन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये जो सीरीज़ है हमारी हाइड्रोकार्बन की, होमोलोगस सीरीज जिसको बोलते हैं, ये स्टार्ट होती है हमारी सेकंड हाफ मेंबर से, यानी कि इथिन से, ठीक है। इथ प्रॉप ब्यूट है ना, पेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डीज आर पैरेंट कार्बन। और इन जो लगता है उसके पीछे, इसका मतलब क्या हो गया, उनको बोला जाता है ना फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यानी कि अल्कीन। चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसा रहेगा हमारा, स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दिखा है स्ट्रक्चर इस तरह से, इसका मतलब ईच कार्बन इज एन sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब ट्राइगोनल प्लानर है। और अगर हम स्ट्रक्चर को डायरेक्टली इसको फॉलो करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास दो यहाँ पे लिख, इसको अगर आपको यहाँ समझ में आएगा आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते कि ये वाला जो बॉन्ड है आपका कार्बन कार्बन के बीच में जो वाइट कलर से मेंशन किया गया है वो बनता है आपका sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद होता है कि आपका एक लैटरल ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना हुआ है जिसको अपन बोलेंगे पाई बॉन्ड। और एक बॉन्ड है आपका दिया हुआ, सॉरी दो बॉन्ड और कौन से बच गए आपके, CH वाले, यानी कि इसमें टोटल चार बॉन्ड बना रहा है आपका कार्बन। और चार बॉन्ड किस तरह से हमारे पास, वो देखिए, सबसे पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और फिर आपके पास दो आपके पास कैसे हाइड्रोजन, इसका मतलब एक कार्बन इस तरह से आपका स्केलेटन बनाता है, ठीक है। और हमको पता है कि पाई बॉन्ड का नेचर कैसे होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका मतलब वो ज्योमेट्री में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला हो गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये वाला हो गया, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये वाला हो गया। इन जनरली क्या होता है कि हमारे पास कार्बन के पास जो ऑर्बिटल है वो कौन कौन से है आपके पास, एक है 2s, 2px, 2py और 2pz, 2pz और 2s ये क्या बनाते हैं, सिग्मा बनाते हैं, और ये जो है आपका पाई बनाता है जनरली। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2s सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2px सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2pz भी आपका सिग्मा बना रहा है। सो जब आपका कौन बच गया, 2py, सो 2py जो रहेगा आपका वो होगा आपका पाई बॉन्ड पार्टिसिपेशन के लिए, इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये रेड जो दिखते हैं सर्कल दे रहा हाइड्रोजन, ओके, और ये जो आपका बॉन्ड लगा है इस तरह से, इसको अपन बोलेंगे लैटरल ओवरलैपिंग से बना हुआ आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। सो देयर इज अ वन पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। चलिए फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन, ये उसका फिगर हो गया। अब इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नॉमेनक्लेचर कैसे आता है, जो भी हाइड्रोकार्बन रहेगा उसमें हमको सिर्फ क्या लिखना होता है, इन लिखना होता है। सो बेसिकली इट इज़ एन अल्कीन, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इथिलीन का। एग्जांपल इथिलीन में सबसे पहले काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन कितने रहेंगे, दो, कैसे भी काउंट करो दो कार्बन हो गया, मतलब पैरेंट वर्ड क्या आ गया आपका, इथ आ गया। फिर रूट वर्ड क्या रहेगा, रूट वर्ड मतलब फंक्शनल ग्रुप, तो कौन है आपका, इन है। और उसकी पोजिशन कितना है आपका, वन इन, तो एक्चुअल में इसका नाम क्या होगा, इथिन का, इथ वन इन। चलिए अनदर एग्जांपल लेता हूँ मैं इसका, एक एग्जांपल लिया है जिसमें चार कार्बन है। अब ऐसा अगर एग्जांपल दिया तो आपको नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी होती है, जहाँ से आपको सबसे पहले डबल बॉन्ड मिलेगा वहाँ से। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, इसमें क्या है टोटल कार्बन चार, और इसका मतलब रूट वर्ड क्या हो गया फिर इसका, सॉरी पैरेंट वर्ड क्या हो गया इसका, ब्यूट, बिकॉज ऑफ फोर कार्बन। फिर देखना होता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यस, तो उसका क्या आएगा आपका, इसका आ गया इन। और पोजीशन कहाँ पे, वन कार्बन पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नेम जो है इस कंपाउंड का वो आ गया आपका ब्यूट वन इन, और इसको बोल सकते हैं अपन ब्यूटीन, ठीक है। चलिए वन ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। आइसोमेरिज्म जो है इसके, आइसोमेरिज्म हमको पता है अल्कीन्स में भी हमने देखा था, इसमें हमको एक अलग सा आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बाकी तो दिखाते हैं पोजीशन, चेन और रिंग, ये तो सब दिखाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है आपका वो होता है आपका विथ रिस्पेक्ट टू 3D अरेंजमेंट, ठीक है। और ज्योमेट्री में क्या देखना है हमको, सबसे पहले देखना है देर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमर्स आर डेवलप, एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। जैसे एग्जांपल से एग्जांपल हमने लिया है वन ब्यूटीन और या टू ब्यूटीन लिया, सॉरी दिस इज एन टू ब्यूटीन, ठीक है। तो टू ब्यूटीन में हमको क्या होता है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला है निकालने का जिसको बोला जाता है टू टू द पावर एन। सो एन माने क्या होता है, एन माने होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो टू टू द पावर वो रखो उधर, आपको नंबर ऑफ मिलेंगे कितने रहे बना सकता हो। सो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला टू टू द पावर एन।
चल आगे बढ़ते हैं। हम एग्जांपल लिया हमने ये वाला 2-butene, तो इसमें एक डबल बॉन्ड है तो 2^n, n की वैल्यू 1 रहेगी, सो आंसर कितना आएगा आपका 1, आंसर सॉरी आएगा कितना 2, ठीक है। तो इसका मतलब दो डबल बॉन्ड इसमें दो आइसोमर्स आपके बन सकते हैं। तो एक आइसोमर हमने लिखा इस तरह से जहाँ पे हाइड्रोजन दोनों सेम साइड से है, और दूसरा स्ट्रक्चर हमने लिखा जहाँ पे हाइड्रोजन आपके अपोजिट साइड से, जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड के रिस्पेक्टेड में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से होते हैं उसको अपन बोला जाता है सिस। क्या बोलते हैं उसको? सिस मतलब ऑन सेम साइड, और जिसमें दोनों अपोजिट होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांस, ठीक है। सिस और ट्रांस, ई और जेड थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, ठीक है, अपन उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन सिस और ट्रांस मतलब इस तरह से होता है, जब आपके दोनों सेम ग्रुप एक साइड से रहेंगे तो उसको अपन सिस बोलते हैं, जब दोनों अपोजिट रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रांस। ओके फाइन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका वो होता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, कैसे कैसे बना सकते हैं। अब हमको पता है कि अल्कीन माने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको ट्रिपल बॉन्ड से कम कर सकते हैं। एक तो क्या होता है कि हमको ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना सकते हैं, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड से भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं, इस तरह से प्रोसेस होती है वो। तो पहला देखेंगे अपन फ्रॉम अल्काइन, ठीक है। अल्काइन से कैसे करते हैं हम, इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन, यानी कि आपको एक ही बॉन्ड रिड्यूस करना है, हाइड्रोजनेशन करना मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला एग्जांपल है हमारा लिंडलर कैटलिस्ट, क्या नाम है इसका? लिंडलर कैटलिस्ट होता है पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट इन हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट कौन है? सरफेस है, और जहाँ पे अपन हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे ब्यूटाइन का एग्जांपल लिया हमने, कौन एग्जांपल है? ब्यूटाइन पे अगर हमने H2 ट्रीटमेंट किया है पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में, तो आपको सिस अल्किन मिलता है, और ये रिएक्शन आपकी सेलेक्टिव रिएक्शन है, हमेशा सिस प्रोडक्ट ही मिलेगा, ठीक है, याद रखिए इसको। और उसके बाद होता है कैटालिटिक, इसको एक नाम दिया गया, इसका नाम है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस यूज़ कर रहे हैं इसमें और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और इसका प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा? सिस प्रोडक्ट। चलिए अब बात करते हैं बर्च रिडक्शन, ठीक है। बर्च रिडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का एग्जांपल है, जिसमें अपन लेते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स और लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट रहेगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्यूटाइन लिया है, सोडियम या पोटेशियम ले सकते हैं, तो हमको प्रोडक्ट हमेशा ट्रांस मिलता है, तो ये ट्रांस सेलेक्टिव रिएक्शन रहेगी। और ये रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। तो हमको पता है कि सोडियम का क्या काम होता है, सोडियम अगर हम लेंगे तो सोडियम क्या करेगा आपका, सोडियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन आपका अमोनिया के साथ क्या बन जाता है, सॉल्वेंट के साथ बन जाएगा, आपका सॉल्वेंट केज बनाता है, इसको इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन एज ए काम करेगा इस केस में रिडक्शन का, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल हमको देखना है जिसके थ्रू हम अल्किन बना सकते, वो होता है डीहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ क्या, अल्किल हैलाइड। डीहाइड्रोहैलोजनेशन मतलब क्या निकालना है तुमको, HX निकालना है, किसमें से? अल्किल हैलाइड से, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम ये वाला, हमने एलिमिनेशन का भी एक वीडियो देखा होगा पहले, हाइड्रोजन और X ये दोनों निकलेंगे साइमल्टेनियस, और दोनों कैसे एडजेसेंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1-2 एलिमिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन। और ये काम कौन करता है, सिर्फ ये अल्कोहलिक केवच ही कर सकता काम, यानी कि स्ट्रॉन्गर बेस, इसलिए वहाँ पे क्या लिखा है, बेस। सो बेस इनिशिएशन करेगा और आपका रिएक्शन आपकी प्रोसेस होगी, बेस पहले क्या करेगा आपका हाइड्रोजन निकालेगा और आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो अभी एलिमिनेशन के कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, E1 है, E2 है, E1C भी है, एक्सेट्रा। उसके बाद देखना होता है आपको फ्रॉम विसिनल हैलाइड, विसिनल मतलब एडजेसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों कैसे एक दूसरे के एडजेसेंट में, ठीक है, 1-2 पे। इसको काम करता है कौन, जिंक। जिंक अगर डाल देंगे तो दोनों निकालेगा बाहर, ZnBr2, और आपको बनेगा ओलेफिन, आपको क्या बनेगा, अल्किन बनेगा। तो ये भी एक अच्छी मेथड है अल्किन बनाने के लिए। उसके बाद एग्जांपल आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हमको पता है अल्कोहल से अगर वाटर निकलेगा तो बनेगा अल्किन, क्या बनेगा, बनेगा आपका अल्किन जो हमको चाहिए। फिर डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकालना है, और काम कौन करेगा, ये करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा केमिकल प्रिपरेशन। केमिकल प्रिपरेशन मतलब क्या होता है, या केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, कि हम उससे क्या क्या करवा सकते हैं। जनरली ओलेफिन है मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है, और वो फटाफट सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये वाली जो रिएक्शन आपकी रहेगी, इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन एडिशन रिएक्शन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का कन्वर्ट, सॉरी डबल बॉन्ड का कन्वर्शन किस में हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में, इसको क्या बोलेंगे अपन, एडिशन। सो सबसे पहली रिएक्शन जो रहेगी आपकी वो
एडिशन, और आपको कई सारे प्रोडक्ट हमको मिल सकते हैं। चलिए एक मैंने फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाने की कोशिश किया हूँ ये वाला। अब इस फ्लो चार्ट में क्या दिखता है कि अल्किन लिखा हुआ है, अल्किन पे हम अलग अलग रिएजेंट्स यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे हम? अलग अलग रिएजेंट्स यूज़ करेंगे। जैसा कि पहले देखो, सबसे पहले रिएक्शन देखो, अल्किन पे अगर हमने X2 यानी कि हैलोजन और CCl4 अगर डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, पहला X2CCl4 है, दूसरा H2PD है, निकेल पैटलियम ले सकते हैं, तीसरा वाटर H2SO4 है, चौथा बोरेन दिया हुआ है H2O2 के साथ में, पांचवा उसके साथ में दिया है GSO4H2O दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे अगर हम X2 और CCl4 डालेंगे तो आपको ये बनेगा, XX लगेगा, एडिशन हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, इसको बोलते हैं हैलोजनेशन। क्या बोलेंगे इसको? हैलोजनेशन, ठीक है। उसके बाद H2 और कैटलिस्ट है, प्लैटिनम पैलेडियम निकेल कोई ले सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोजनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए, वाटर और H2SO4 डाल दिया, मतलब इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे हाइड्रेशन। इसको क्या बोलेंगे अपन? हाइड्रेशन, ठीक है। ओके, चलिए गुड। अभी क्या करना है? बोरेन मतलब BH3 और H2O2 डाला है, मतलब उसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। उसका नाम क्या रहेगा आपका? हाइड्रोबोरेशन। और में रिएजेंट दिया हुआ है आपका HgSO4H2O, उसको बोलते हैं मर्क्यूरेशन। क्या नाम है इसका? मर्क्यूरेशन। देखिए, मर्क्यूरेशन भी अल्कोहल बना सकते हैं, हाइड्रेशन से भी अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नया रिएजेंट देखने को मिलेगा आपको, जो है CH2I2 और ZnCU। CH2I2 मतलब आयोडोमीथेन और जिंक कॉपर के प्रेजेंस में क्या बन गया भाव आपके पास? बन गया ना आपके पास साइक्लोप्रोपेन। क्या बन गया? सो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन? साइक्लोप्रोपेनेशन। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेनेशन, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभी हम बात करते हैं, ओलिफिन पे हमने MCPB डाला। MCPB क्या होता है? MCPB होता है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। यह है बेंजोइक एसिड आपका, यहाँ पे लग गया आपका ये वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं मेटाक्लोरोपर्ब। अभी ये पर एसिड है ना, तो पर एसिड का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन फटाफट दे देता है उसको, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो जाएगा आपका? इपॉक्साइड बनेगा, और इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन इपॉक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको? इपॉक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद केमेनोफोर मतलब क्या करता है? ये करता है डाईहाइड्रोक्सीलेशन। क्या करता है ये? डाई हाइड्रोक्सीलेशन। उसके बाद ओजोनोलिसिस, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक ही कर देगा तो दो कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं, इसको बोला जाता है ओजोनोलिसिस, ठीक है। ये हो गया ओजोनोलिसिस आपका। और एक लास्ट है आपका दिया हुआ HX, यानी कि यहाँ पे अपन हाइड्रोहैलोजनेशन बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोहैलोजनेशन। सो इन दिस वे हम इतने सारे केमिकल रिएक्शंस उसमें देख सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है आपका, ठीक है। और लास्ट में रह गया आपका मार्कोनिकॉफ्स रूल। ये एडिशन के हिसाब से लिया जाता है, और मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से क्या होता है कि आपका अनसिमेट्रिकल अल्किन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ही चाहिए आपको, ठीक है। और उस केस में क्या होगा आपका? नेगेटिव पार्ट जो रहता है आपका, जैसे Br नेगेटिव है, वो कहाँ जाता है आपका? लेस नंबर ऑफ नेगेटिव कहाँ जाएगा आपका? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, ठीक है। और आपका पॉजिटिव जाएगा आपका मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। और इसका रिवर्स केस क्या होता है? इसको बोला जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो ये आज का लेक्चर इस तरह से रहेगा आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू प्लीज़ माई चैनल। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।